6 अप्रैल को हम लोग पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डिस्ट्रिक्ट कमेटी का डिक्लेरेशन किए थे प्रेस रिलीज करके, और उस वक्त हमारा रोज़ा का वक्त चल रहा था, रमज़ान का वक्त था, जिसके वजह से हम लोग प्रोग्राम नहीं कर पाए थे। लेकिन उसी उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आप सभी मीडिया कर्मियों को यहाँ पर बुलाकर, और आपने देखा कि आप सबके सामने हम लोगों ने हमारे MIM के जितने भी न्यू मेंबर्स थे, न्यू पोर्टफोलियोज थे, न्यू डेलीगेट्स थे, उनको सम्मानित किया और उन्हें आज अपॉइंटमेंट लेटर दिया। इसी के उपलक्ष्य में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे रखा गया है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ इसी मकसद के लिए नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाना सिर्फ एक मकसद है हमारा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाकर इसके माध्यम से आप देख रहे हैं यहाँ पे जमुड़िया, बड़ाकर, रहमतनगर, कुलटी, हर तरफ से लोग आए हुए हैं। शमशाद भाई हैं जमुड़िया से, दो शमशाद भाई, सलीम भाई जमुड़िया से हैं, एजाज भाई हैं, नाजिम भाई दुर्गापुर से हैं, और भी अंसार भाई बड़ाकर से हैं। तो ये जितने भी भाई लोग हैं आज सब यहाँ पर एक साथ होकर, एकत्रित होकर काम करने के लिए आए हैं। कल रात हमारे कर्मियों ने झंडा भी लगाया था आसनसोल के सरजमीन में, लेकिन यहाँ गुंडागर्दी इतना चल रहा है, इतना माने एडमिनिस्ट्रेशन इतना नतमस्तक हो चुकी है कि एक अदर पॉलिटिकल पार्टी का झंडा को लगाने नहीं दिया जा रहा है। तो आप लोग इससे समझ जाएं कि MIM को किससे प्रॉब्लम है और किससे नहीं। यहाँ वाकई में BJP और TMC दोनों मिलजुल कर काम कर रही है, इसीलिए आज MIM खड़ा हुआ है, और MIM पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगे भी अपनी टीम के साथ काम करेगी, और उम्मीद करते हैं कि बेहतर से बेहतर जो होगा लोगों के हित में होगा। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये बात है कि कम्युनल कम्युनल कम्युनल, नो, वी आर नॉट अ कम्युनल पर्संस, वी आर द सेक्युलर पर्संस एंड वी विल वर्क फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ओनली फॉर द पीपल। इसी उद्देश्य के साथ पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मैदान में उतरी है, और इंशाअल्लाह ताला पश्चिम बर्धमान में इतिहास रचेगी आने वाले दिनों में। बहुत जल्द बंगाल के सरजमीन में असदुद्दीन अवैसी साहब भी होंगे, अकबरुद्दीन अवैसी साहब भी होंगे, और हमारे माजिद हुसैन साहब भी होंगे। इसी उद्देश्य के साथ आप लोगों को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया। तो इस वर्ष जो पश्चिम बंगाल में चुनाव होनी थी जी, इसमें आपकी पार्टी ने कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया? उम्मीदवार इसलिए नहीं खड़ा किया गया, आप देख रहे होंगे कि आसनसोल में क्या मसला था। एक तरफ शत्रुघ्न सिन्हा जी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टार का मार चल रहा था, लोकल आम जनता का मार नहीं चल रहा था। अग्निमित्रा पाल भी कलकत्ता की स्टार है और शत्रुघ्न सिन्हा भी बॉम्बे के स्टार है, तो कहीं ना कहीं स्टार के बीच में आम जनता ना पिसाए, इसीलिए हम लोगों ने कैंडिडेट अपना नहीं दिया। लेकिन उम्मीद करते हैं आने वाले 24 में बहुत जल्द असदुद्दीन अवैसी साहब के नेतृत्व में, उनके निर्देश पे पश्चिम बंगाल के इसी आसनसोल में इतिहास होगा इंशाल्लाह ताला। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी हुआ था उसमें हमारे जनरल सेक्रेटरी हुए SK नाजिम भाई दुर्गापुर से, और वाइस प्रेसिडेंट हुए एजाज अहमद भाई, एडवोकेट जियाउल हक साहब, और MD इफ्तिखार आलम साहब, तीन वाइस प्रेसिडेंट हैं, तीन वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, मिनास भाई, मिनास खान दुर्गापुर, नदीम अख्तर, MD जिलानी उठ साहेब भाई जो 28 नंबर वार्ड के कैंडिडेट भी थे, और जॉइंट सेक्रेटरी तारिक अशरफ खान, शहबाज अमीन, शौहरत आलम, ये तीन जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं, और एक्स प्रिंसिपल हैं कुलटी प्राइमरी हाई स्कूल के मोहम्मद मुदस्सिर खान साहब, वो उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है जिसकी वजह से वो आ नहीं पाए, तो ये हमारे ट्रेजरर हैं। और इसके बाद असिस्टेंट सेक्रेटरी जो हैं शहनवाज आलम साहब, दानिश खान और आसिफ कुरैशी साहब, असिस्टेंट ट्रेजरर जो हैं वो राजन अंसारी, MD अंसार खान, एडवोकेट तबरेज खान, और मेंबर्स में जो हमारा नाम है MD अनवर हुसैन रानीगंज से, MD अशरफ खान सिरीपुर से, कफील अहमद रहमतनगर से, MD शमशाद खान सिरीपुर से, MD सलीम खान सिरीपुर से, जमुड़िया विधानसभा से। टोटल हमारा है यहाँ पे आपका 23 मेंबर का कमेटी बना गया है। हमारा पहला काम यही रहेगा, देखिए पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियली आज हम लोग अनाउंसमेंट किए हैं, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि काम तो हम लोग लास्ट 6 महीने से करते आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं हर दिन 2 दिन के बाद आप तक अपडेटेशन जाता रहता है, तो आगे भी इसी तरह काम करते रहेंगे, और
उम्मीद करते हैं इससे अच्छा और उम्दा काम कर दिखाएंगे आप लोगों को। इससे पहले आप टीएमसी के सपोर्ट करते हैं, टीएमसी छोड़ के ये पार्टी को? मैंने आपको मेरे इलेक्शन में एमएलए इलेक्शन में भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, जहाँ पे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, जहाँ पे आपको आपका बात ना बोलना दिया जाए, वहाँ पे आपको रहना ना रहना बेकार है। इसीलिए अपना घर टूटा ही सही, लेकिन अपना ही घर सही होता है। अपना घर का जी एकदम कर रहा है गुंडागर्दी, यहाँ के मंत्री मलय घटक गुंडागर्दी कर रहे हैं। और बोलिए, कल कुल्टी का एक न्यूज़ देखा मैंने, ANM न्यूज़ बोल के कोई था, उसमें कोयला लेकर जाया जा रहा है, उसमें बोल साइकिल वालों से पूछा जा रहा है किसका कोयला है, तो उसको वो बोलता है बड़े साहब का कोयला है। तो हमें आज ये आप लोगों के माध्यम से तीन आदमी से जवाब चाहिए, मंत्री मलय घटक जी से, विधान उपाध्याय जी से और कलकत्ता में बैठे अभिषेक बैनर्जी जी से, कि ये बड़े साहब कौन है, मंत्री मलय घटक जी हैं छुपे हुए या विधान उपाध्याय या कलकत्ता में बैठे अभिषेक बैनर्जी है? हम लोग सबको मालूम है कि कोयला चोरी, लोहा चोरी, बालू चोरी में कौन है, TMC का सबसे बड़ा हाथ है। लेकिन ये जो बोल रहे हैं लोग साइकिल से जा जा के, 300 साइकिल आप देखेंगे कुल्टी में डेली कोयला का तस्करी हो रहा है, क्यों, कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? जबकि कानून मंत्री खुद यहाँ आसनसोल से जीत कर कानून मंत्री बने, कहाँ उनके ही क्षेत्र में लॉ ऑर्डर नहीं है, तो और कहाँ पे बताएंगे? इन्हीं सब को देखते हुए गुंडागर्दी कहना पड़ रहा है, और ये गुंडागर्दी ख़त्म होगा, बहुत जल्दी ख़त्म होगा।